बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु की प्यारी सत्संग जी, बहुत प्यारी वाणी, चेतावनी की वाणी है, बहुत प्यारी वाणी गाई है। जगत में जीवन थोड़ा रे, मत विसरय हरि नाम। कितना सहज में गुरुदेव कहते हैं कि हरि नाम को मत विसरो, जीवन बहुत कम है, पता ना कब प्राण पखेरु उड़ जाएगा, मिट्टी पड़ी रहेगी, फिर इस मिट्टी से कोई प्यार नहीं करेगा। आज तो कहते हैं मेरा मेरा मेरा, जिस दिन प्राण निकल जाएंगे ना, उस दिन कोई भी इस जीवात्मा का या इस शरीर का साथी नहीं होगा। ले चल ले चल सभी कहते हैं, धीर धरे ना कोई, दम लिकड़ा पाछे घड़िए न रखे कोई। श्वास निकलने के बाद एक घड़ी भी रखना पसंद नहीं करते हैं, और आज हम कहते हैं मेरा मेरा मेरा। भोला नर कहे घर मेरा, ये घर तेरा ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। भोला व्यक्ति कहता है मेरा घर है, और संत कहें ये घर तेरा भी नहीं और ये घर मेरा भी नहीं, क्योंकि इस घर को लाखों लोग छोड़ गए, आप भी छोड़ जाएंगे। एक धर्मशाला में जैसे व्यक्ति रहता है, सुबह होते ही धर्मशाला को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही संत इसको धर्मशाला कहते हैं। एक राजा के पास एक फकीर आया, फकीर बैठ गया। राजा ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये राजा का महल है, आप ये कहाँ बैठे हैं? फकीर ने कहा नहीं, ये धर्मशाला है। फकीर धर्मशाला कह रहा है, राजा के मंत्री महल कह रहे हैं। बात राजा तक पहुंची, राजा स्वयं आए, कहने लगे हे महाराज, आप मेरे महल को धर्मशाला कहते हैं? फकीर ने कहा बेटा ये धर्मशाला है। राजा कहते नहीं महाराज, मेरा महल है। फकीर ने कहा आपका महल है, आप ये बताइए आपसे पहले कौन था? राजा ने कहा मेरे पिताजी। और आपके पिताजी से पहले कौन था? राजा ने कहा मेरे दादाजी। हे राजन, आपके जाने के बाद कौन आएगा? राजा ने कहा मेरा बेटा। फकीर ने कहा हे राजन, धर्मशाला नहीं तो क्या है? नितानंदी जगत में कोई आए कोई जात, एक निक से एक झड़ पड़े जो तरवर के पात। पुराने पत्ते गिर जाते हैं पेड़ के, पता नहीं कहाँ चले गए, गिनती भी नहीं है, खबर भी नहीं है कहाँ गए हैं, और नए उस पर आ गए हैं पेड़ पे पत्ते। ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे बाप दादा गए, गोती नाती गए, हमरे देखत चले गए बैरी मित्र अनेक। एक दिन हम भी जाएंगे, या मैं मीन ना मेक, एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा, रहना नहीं देश बिराना है, ये अटल सत्य है, एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मत विसरय हरि नाम, मालिक के नाम को मत छोड़ो, क्योंकि मालिक का नाम छोड़ दिया तो आपके साथ जो जाने की दौलत है वो तो नाम की कमाई है, जो आपके जन्म जन्म के दुखों को, दुखों से पिंड छुटा सकता है, दुखों को काट सकता है, दुखों को खत्म कर सकता है, वो नाम है। इसीलिए संत नाम के ऊपर जोर देते हैं, मत विसरय हरि नाम, जगत में जीवन थोड़ा रे, मालिक के नाम को मत विसर, मालिक के नाम को मत छोड़, जीवन बहुत कम है, पल का भी खबर नहीं, सांस आए कि ना आए, कोई पता नहीं कब प्राण पखेरु उड़ जाएगा,
गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने शिष्य मर्दाना से पूछा, मर्दाना कितनी देर की जानते हो? मर्दाना ने कहा, बाबा आज का सूर्य निकला है, पता नहीं कल देख पाएंगे कि नहीं। नानक साहब ने कहा, मर्दाना बड़ी दूर की जानते हो, बालाजी आप दसो। बाला ने कहा, बाबा दिन के दोपहर बीत चुके हैं और कोई पता नहीं तीसरा पैर देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, गुरु नानक ने कहा, मर्दाना आप भी बड़ी दूर की जानते हो। तो दोनों ने हाथ जोड़ के कहा, हे सच्चे बादशाह आप ही बताओ सत्य क्या है। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, मर्दाना ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, दम का भरोसा नहीं है। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, श्वास का भरोसा ही नहीं, श्वास आएगा श्वास नहीं आएगा। और हम इतना अभिमान करते हैं, झूठ छल कपट बेईमानियां होशियारी और अपने आप को समझदार समझते हैं, दुनिया की नज़रों में होशियार समझदार हो सकते हैं, मालिक की नज़रों में झूठ कपट ये सब निंदा, ये हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और पल पल काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और एक दिन दिया बुझ जाता है, बाती भी जल जाती है, ऐसे ही श्वासों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। स्वामी नितानंद दयाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, पल पल आयु घटे नर तेरी, जो दीपक पे तेला है, जैसे दिए में तेल है ऐसे तेरी श्वासों की पूंजी घटती जा रही है। पल पल आयु घटे नर तेरी, जो दीपक में तेला है, बुझे ज्योत तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है, हरि नाम बिना मन मैला है। मालिक के नाम के बिना आपके मन का मैल नहीं जा सकता है, इसलिए जितना बन पाए नाम सिमरन करो। जब हमारा लगाव बनता है, आंतरिक प्यास बनती है, भाव बनता है, हृदय में चाव होता है नाम सिमरन करने के लिए, बैठते हैं जब नाम की कमाई करते हैं, प्यास के बिना बात नहीं बनेगी। तोता की तरह राम राम रटने से उद्धार नहीं हो सकता है, ऊपर से राम 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 भीतर प्रीत नहीं है, भीतर आंतरिक लगाव नहीं है, हृदय में आंतरिक प्यास नहीं है, तो कैसे मिलन होगा परमात्मा से। दुनिया की दृष्टि में तो भक्त सन्यासी त्यागी वैरागी हो सकते हैं, लेकिन वो तो जानता है ना आपके भीतर की मनोदशा क्या है, आपके भीतर में उठने वाले विचारों को भी जानता है और आपकी मनोदशा को भी जानता है। इसलिए आप चाहते हैं परमात्मा से प्रेम करना, तो हृदय से उसको स्वीकार करें और अपने मन को ठीक करके तन मन धन की बाजी लगाए, गुरु के सदगुरु का परमपिता परमात्मा का नाम सिमरन कीजिए, क्योंकि नाम के बिना इस जीव का उद्धार होने वाला नहीं है। नितानंद हरि नाम बिन कभू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पढ़ चले नाम बिन रोए। नाम के बिना ये जीवात्मा रोती रहेगी सदा 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 सदा, क्योंकि सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, ये मानव जीवन फिर हाथ नहीं आवेगा, नहीं ये परिवार, ना ये मानव जीवन, ना ये शरीर और ना ऐसा मौका। और व्यक्ति चिल्लाता है मेरे को मौका नहीं दिया, व्यक्ति चिल्ला रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है। जिस मानव जीवन के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, रामायण में प्रसंग है, बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ शव ग्रंथन गावा। बड़े भाग हैं जिन्होंने मानव जीवन मिला है, देव दुर्लभ कहा है, देवताओं को भी बड़ा मुश्किल है और आपको मिला है। मिला है तन रतन लेकिन कदर जानी नहीं, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं जानी है, इसका हम लाभ नहीं उठा सकते हैं। धोखे धोखे में अपने जीवन को गंवा रहे हैं, मेरा मेरा कर रहे हैं और ना समझी इतनी बड़ी है, ये भी पता नहीं, शरीर भी आपका नहीं।
क्या कहते हैं गुरुदेव, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, प्रभात होते ही छोड़ के जाना पड़ेगा। जब पंछी उड़ने के टाइम होता है पेड़ के ऊपर, रात्रि को पक्षी बैठ जाते हैं और सुबह होते ही पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही ये पंछी बैठा है। जैसे ही प्रभात होगा, सुबह होगा, ये उड़ जाएगा और फिर दोबारा इस पर नहीं आके बैठेगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, गुरुदेव चेतावनी में चेताते हैं, जीव को जगाते हैं, जगत में जीवन थोड़ा रे, मत विसरे हरि नाम, जगत में जीवन बहुत कम है, ये पता भी नहीं अगली श्वास में क्या होगा, अगली घड़ी में क्या होगा। हम भले ही हजारों वर्षों की नींव रखें लेकिन पल की भी खबर नहीं है, एक पल की खबर हमारे पास नहीं है और हमारा श्वास धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लेकिन समस्या कब आती है जीव के समझ तब आती है जब श्वास खींचने लग जाए, तब कहते हैं मुझे जीवन खो दिया। पर वो श्वास सारी दुनिया की दौलत के बदले भी नहीं मिलेगा। जिस श्वास को हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बस आ रहा है जा रहा है, सारी दुनिया की दौलत के बदले भी, कहता हूँ कह जाता हूँ कहूँ बजा के ढोल, एक श्वास जो खाली जाते है त्रिलोकी का मोल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तीन लोक की दौलत के बदले भी एक श्वास नहीं मिलता, और हम हर रोज इतना महंगा इतना कीमती श्वास को रोज गंवा रहे हैं, रोज खो रहे हैं। 24 घंटे में 21,600 श्वास हर रोज ले रहे हैं, क्या फिर आएंगे इस शरीर में? किसी को दोबारा मौका मिलेगा? फिर क्यों ना अपने प्रभु को, अपने हरि को, अपने सदगुरु को याद करें, क्यों ना उस मालिक को हर वक्त समर्पण भाव हमारा बन जाए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल के प्रति। ऐसा समर्पण है गुरुदेव, बस ये जीवन आपका है, ऐसा उमंग भीतर में उठे दर्शन करने के लिए, जब भी मन करे आ जाएं, दर्शन देख देख जीवा। जीवात्मा वो धन्य होती है जो गुरुदेव के दर्शन देख के आनंदित होता है। कोई प्रेमी आत्मा ही इस बात को समझ सकती है। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, एक समय की बात, भाई रूप सिंह से पूछा, रूप सिंह कुछ मांगना है? रूप सिंह के नैन कटोरे भर आए, पानी आंखों से डुल के नीचे जाने लगा। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी कहने लगे, हे सच्चे बादशाह, इस नीच को कुछ मांगने के लिए कह रहे हो? जब गुरुदेव ने मांगने के लिए कहा तो कितनी खुशी हुई होगी, कितना सौभाग्य है, हे गुरुदेव मुझे मांगने के लिए कह रहे हो? हां रूप सिंह मांग ले, हे सच्चे बादशाह, मैं सदगुरु के दर्शन तो करता हूं, मेरी आंखा नू रसक बैरागी बना दो, मैं गुरुदेव के दर्शन देख देख जीऊं, बस दर्शन देखता ही रहूं करता ही रहूं, मैनू रसक बैरागी बना दो। हे सच्चे बादशाह आप देना चाहते हो ना, मेरे शरीर में जिन्हें रोए हैं ना, इस शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं। हे सच्चे बादशाह मेरे शरीर में जिन्हें रोए हैं ना, इतनी जीव्या लगा दो। सच्चे बादशाह ने कहा, प्रिय बंधु
इतने जीव बाकी, आप क्या करोगे? भाई रूप सिंह जी कहने लगा, सच्चे बादशाह मैं कलयुगी जीव हूं, मेरा एक जीव ऐसे गुजारा नहीं हो सकता, आप मेहर करो, आप कृपा करो गुरुदेव, इन्हीं जीवा लगा दो, मैं सिप्त साई की करूं दमादम, मैं श्वास श्वास में मेरे साई की, मेरे सदगुरु की बंदगी करूं, प्रार्थना करूं, अरदास करूं, मैं विनती करूं मेरे साई मेरे धनी। स्वामी नितानंद दयाल तो बहुत ज्यादा और भी आगे कहते हैं, स्वामी नितानंद दयाल कहते, रोम रोम मुख क्रोड़ कर, मुख मुख जीव अनंत, नितानंद हर गुण कथे फिर कदे न आवे अंत। सच्चे बादशाह मेरे शरीर में करोड़ों रोए हैं, एक रोए में करोड़ों मुख लगा, रोम रोम मुख क्रोड़ कर, और फिर मुख मुख जीव करोड़, फिर उस एक एक मुख में करोड़ों करोड़ों जीव ला। इतनी प्यास, इतनी प्रीत, इतनी ब्रह, इतना आंतरिक अटैचमेंट, इतना लगाव सदगुरु से, धन है वो आत्मा। भाई रूप सिंह जी, भाई गुरु का लाल अरदास कर रहे, रूप सिंह जी कह रहे, हे सच्चे बादशाह बख्शो, मेरे शरीर में इन्नी जीवा लगा दो जिन्हें रोम है, मैं सिप्त साई की करूं, मैं बंदगी करूं, मैं प्रार्थना करूं मेरे सच्चे बादशाह की। रो रहा है और हृदय से प्रार्थना भी करे, गुरुदेव कृपा करो। गुरुदेव ने कहा, कुछ और भी मांगना है? बोला, हां सच्चे बादशाह, एक कुत्ता हुंदा है ना, कुत्ता। बोला हां, कुत्ते के गले विच पटा हुंदा है। बोला हां, जिस कुत्ते के गले विच पटा हुंदा है, ये पहचान हुंदी है कि ये कुत्ता किसी मालिक का है, तुसी भी तोक गले बिच पा दो। सच्चे बादशाह मेरे गले बिच पट्टा पा दो, नाम का पट्टा पा दो, ताकि पहचान हो जाए मैं गुरुदेव का, गुरुदेव का हूं, पहचान हो जाए। इतनी आधीनी, इतनी सरलता, इतनी निर्मलता, इतना आंतरिक अटैचमेंट, इतना प्रेम सतगुरु से, वो धन हो जाता है। और सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, ये बाजी जीत लो, फिर रोना पड़ेगा। मानव जीवन में दयाल क्या सिमरन करो, सृजनहार को याद करो, अपना व्यवहार अपना विचार ठीक करो। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, स्वामी नितानंद दयाल कहते हैं, जन्म मरण की जेवड़ी काट सके तो काट, नितानंद अब ना कटी तो तन बारा बाट। ये जन्म मरण की जेवड़ी है, काट सके तो काट ले, और अब नहीं कटी तो तन बारा बाट हो जाएगा। जन्म मरण खुट्टा गड़ा बिछा काल का जाल, जो जन्म मरण का खुट्टा गड़ रहा है, यो मौका फिर कौन मिला। भाई मालिक की बंदगी करो, मालिक के नाम का सिमरन करो, और परमपिता परमात्मा को जितना बन पाए याद करो। याद याद में याद है, याद याद में याद, और याद है तो आबाद है, नात्र है बर्बाद। याद में आबादी है, नहीं तो बर्बादी है, सारा जीवन बर्बाद होता जा रहा है। इसलिए गुरुदेव इस जीव को जगाते हैं, मत विसरह हरि नाम, जगत में जीवन थोड़ा रे, मालिक के नाम को मत विसरो, जीवन बहुत कम है। घड़ी घड़ी काया घटे टेर कहें घड़ियाल, बीते बरिया तंत की सुमर गोपाल गोपाल। तंत का मौका बीत जा रहा है, तंत टाइम मौका अवसर, जो मालिक की बंदगी करने का था, सिमरन करने का तंत था, वो बीत गया, वो बीतता जा रहा है। आप कहते हैं बच्चा बच्चे को पढ़ो, बच्चे का पढ़ाई का जोर रहता है, अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन जवानी में ध्यान नहीं, वृद्धावस्था में करेंगे, पता भी है वृद्धावस्था आएगी कि नहीं आएगी, नहीं ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, पता भी है
इतना टाइम आपके पास होगा कि नहीं होगा, कोई पता नहीं कब चलना हो जाए, कोई पता नहीं कब पंछी उड़ जाए। इसलिए गुरुदेव कहते मत विसरे हरि नाम, माया मोह धोखी फांसी क्या लिपटा धन दाम। मत विसरे हरि नाम, जगत में जीवन थोड़ा रे, ये माया ये मोह ये धोखे की फांसी है। हम कहते हैं मेरा जन्म से पहले कहां था तेरा, और तेरा शरीर भी नहीं था, 50 वर्ष पहले आप कहां थे और 50 वर्ष बाद आप कहां होंगे। इस बात पे विचार करना, मंथन करना, चिंतन करना, अंतरात्मा से पूछना आप कहां थे, इस शरीर से पहले आप कहां थे और इस शरीर के बाद आप कहां जाएंगे, और इस शरीर के साथ जो संबंध बनाए हैं, जो दौलत शोहरत कमाई है, जो डिग्री जो कुछ भी है आपके पास, क्या इसमें से कोई चीज आप लेके जा सकते हैं। अपनी अंतरात्मा से पूछना, आप इसमें से कुछ भी नहीं ले जा सकते। और धीरे धीरे दिया बुझ जाएगा, इसलिए चेत से कह तो चेत, अब ही चेत, आगे गोर अंधार, आगे बड़ा अंधेरा है। जिस देही का गर्व करत है हाड लपेटा चाम, इस काया का अहंकार करता है मैं सुंदर मैं बलवान, इस शरीर पे तो हाड़ों पे चाम है और है भी क्या, मल मूत्र का भरा पड़ा है भी क्या इसमें। हाड लपेटा चाम कहते हैं गुरुदेव, इसका अहंकार क्यों कर रहा है, इसका है का गर्भ न करिए, क्या सावल क्या गोरा रे, बिन भक्ति तन काम नहीं आवे, कोटिक सुगंध चबोरा रे। कबीर साहब कहते हैं इसका अहंकार मत करना, ये सावला ये गोरा ये रूपवान ये धनवान कितना अभिमान करता है, और असली दौलत जिसके पास है वही धनवान है। राम नाम की दौलत जिसके पास है, जिसके पास राम नाम की दौलत नहीं है वो धनवान नहीं है, वो कंगाल है। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, इसका अहंकार मत कर, क्या सावल क्या गोरा रे, बिन भक्ति तन काम नहीं आवे, कोटिक सुगंध चबोरा रे, कितना तेल फुलेल इत्र लगा बिन भक्ति ये काम नहीं आएगा। तेल फुले लो धोइया तो भी गंदी दे, नितानंद हरि भक्ति बिना अंत खे की खे। तेल फुले इत्र कितना लगाए, अंत में ये मिट्टी की मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, जल भुज के ढेरी हो जाएगी, अंत में समाप्त और पता भी नहीं होगा कहां धूल उड़ जाएगी। इसलिए राम सुमर राम तेरे काम आएगा, नहीं तो जैसे चिड़ी को बाज तुझे काल खाएगा, जैसे चिड़ी को बाज लिखा जाता है ऐसे ही तुझे काल खाएगा। राम सुमर राम तेरे काम आएगा, मालिक के नाम का सिमरन कर तेरे काम आएगा, और नहीं तो फिर ये आत्मा कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में भटकती रहती है। प्यार वाली रूह जो प्यार करती है परमात्मा से, पवित्र आत्माओं को मौका मिलता है गुरु के दर्शन करने का। सदगुरु के प्यारी सत्संग जी, बिना प्रेम के बात नहीं बनती है, बिना प्रीत के कभी बात नहीं बनती है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो उस परमपिता परमात्मा से अरदास करें, विनती करें, प्रार्थना करें, पुकार करें, हे साहिब जैसा भी हूं मैं तेरा हूं। सरजो देवी थी ना, जिला सोनीपत गांव चिटाणा, चिटाणा गांव की रहने वाली सरजो देवी एक की अरदास करती थी, गुरुदेव चाहे मुझे कुत्ता बना देना पर तेरी शरण में रखना, मुझे मंजूर है जटेला धाम का कुकर भी बन जाऊं ना कुत्ता भी बन जाऊं तो भी मंजूर है, पर आपकी शरण रखना। सोनीपत से आकर के जाल के नीचे बैठ करके उसकी प्रार्थना, उसकी आंखों में रोना जो सच्चा था, वो आंतरिक अटैचमेंट और लगाव जो था एक ही गुरुदेव से था, स्वामी नित्यानंद दयाल से। और यही प्रार्थना थी, गुरुदेव चाहे कुछ भी बना देना, जटेला धाम का बना देना। उसका रोना था यो,
क्योंकि लगाव बनी हुई थी गुरुदेव से, और हमने ऐसी जीवात्माओं को देखा भी है, महसूस किया है, किसी अन्य रूप में मैंने खुद हमने महसूस किया है कि हाँ ऐसी महान आत्माएं तपोभूमि जटिला धाम के दर्शन करती है। सदगुरु के प्यारे सत्संग जी, मानव जीवन को सार्थक करना है तो तपोभूमि जटिला धाम कैसा पवित्र प्रांगण, क्या रोज रोज मिलता है? ये जो दूर से आए हैं ना, उनसे पूछो, गाड़ी से आए, सफर करके आए, कार से, बस से, कैसे आए हैं, पैदल चल के आए हैं, कितनी दूर चल के आए हैं। आपका तो, आप तो घर में बैठे हैं 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे, आसपास के लोग आप तो नजदीक हैं घर में, जो दूर से है उनसे पूछो कितना लगाव है कि चलना है गुरु के शरण में, गुरुदेव के शरणों में बैठना है, स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज के सिर चरणों में बैठना है, ऐसा लगाव, ऐसी प्यास। और गुरुदेव कहते हैं मत विसरो हरि नाम, मालिक के नाम को मत छोड़, क्योंकि फिर मालिक का नाम स्मरण करने का मौका नहीं मिलेगा। जिस दौलत का अभिमान करता है, जिस काया का अभिमान करता है, सो सब जलबल खे मिलेगी, सुमरे क्यों ना राम, जगत में जीवन थोड़ा रे, ये काया, ये माया, ये दौलत, ये शोहरत जल भुज के मिट्टी में, खे में, मिट्टी में, मिट्टी हो जाएगी, जल भुज के मिट्टी में मिल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सुमरे क्यों ना राम, क्यों ना परमात्मा का सिमरन करता। और आलस्य माया रोकने की कोशिश करती है, किसी न किसी रूप में, आलस्य के रूप में, किसी और के रूप में, किसी और के रूप में, कार्य के रूप में, और हम खाने में और सोने में होशियार रहते हैं। कह खाना कह सोना कह माया से प्रीत, साहिब धनी विसारिया आदि अंत का मीत। कह खाना और कह सोना और साहिब धनी विसार दिया, मालिक के नाम को छोड़ दिया। इसलिए सदगुरु के प्यारे सत्संग जी, नियम बना लो, प्रारंभिक अवस्था में नियम जरूरी है, भाई दर्शन करने जाना है, और दर्शन करने भी उस भाव से, कोई मांग नहीं है, और मांग है तो प्रीतम प्यारे के दर्शन, और दर्शन भी भाव को करके, क्योंकि जब एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, माया अभिमान, मान बढ़ाई, मैं अधिकारी हूं, मैं फलाना हूं, ये सब छोड़ के, मैं दौलत वाला, मैं शोहरत वाला, ये सब छोड़ के, आप राजा हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, होंगे, अच्छी बात है, लेकिन संत के आगे कोई कुछ नहीं होता है। सहज सरल होके संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान, करोड़ कोटि यज्ञ समान का एक एक कदम, इतना पुण्य मिलता है। इसलिए विनती करें, प्रार्थना करें, श्री चरणों में बैठ के, गुरुदेव आपकी मेहर बनी रहे, हे गुरुदेव आपके दर्शन मुझे हो जाएं। और जब आत्मा तड़पती है, हृदय में प्यास जब होती है, सच्ची ईमानदारी से जब पुकार होती है, भीतर रहूं दाह दे, भीतर करूं पुकार, नितानंद भीतर कटे लगी बिरह तलवार, जब भीतर तलवार लगती है बिरह की, मिलने की अपने प्रीतम से, अपने सदगुरु से, अपने प्यारे से, तो सदगुरु के प्यारे सत्संग जी, बाहर कहीं न जाए, बाहर कहना नहीं, सुनाना नहीं, दिखाना नहीं, भीतर से प्रार्थना करनी है, भीतर पुकारना है। लेकिन जिसको दर्द होगा,
विरह का, परमात्मा से मिलने का, जो बिछड़ा हुआ जो मिलना चाहता है महाराज वो रोएगा। एक बच्चा पिता की उंगली पकड़ के मेले में घूम रहा था, बड़ा आनंद ले रहा था मेले का, और भीड़ ज्यादा थी, उंगली छूट गई पिता की, और जब उंगली छूट गई तो बेटा रोने लगा। खेल खिलौने देख के आनंदित हो रहा था, उन खेल खिलौनों का रस खत्म हो गया क्योंकि पिता बिछड़ गया। रो रहा है पिता नहीं, रो रहा है पिता नहीं। ऐसी हमारा पिता, परम पिता परमात्मा वो राम बिछड़ा हुआ है, और हम दुनिया के झूठे कामों में, झूठी दौलत में, झूठी शोहरत में फंस गए, मान बढ़ाई में, और फिर मेरा मेरा कहने लग गए। ऐ सतगुरु की प्यारी सत्संग, ये घर तेरा ना मेरा, ये तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं है, एक दिन जाना पड़ेगा, कोई पहले कोई 10 दिन पीछे, चल सी खलक तमाम, कोई पहले जा रहा है कोई 10 दिन बाद में जा रहा है। नितानंद भज राम गुमानी, होगा महल मुकाम। आप राम गुमानी, परमपिता परमात्मा का सिमरन करिए, आपका महल आपका मुकाम वो सदगुरु के घर होगा, जहां फिर कभी बिछुड़ने का डर ना होगा, कभी भी बिछुड़ना नहीं उस प्रीतम से, उस परमात्मा से, उस सदगुरु से। लेकिन भीतर प्यास होगी तो आपकी बात बनेगी। ऊपर के लिबास से, ऊपर के रंग रूप से परमात्मा नहीं रिझता है, वो आपकी हृदय की प्यास पे, आपके हृदय के भाव आंतरिक लगाव से। उन्होंने तो बड़े बड़े पापियों को भी पार कर दिया प्रेम को देख के, उन्होंने तो गणिका को भी पार कर दिया प्रेम देख के, उन्होंने अंका बंका को भी पार कर दिया, उन्होंने सजन कसाई को भी पार कर दिया, उन्होंने कुब्जा को भी पार कर दिया। प्रेम था हृदय में तो पार हो गए। आप अपने हृदय में जगह बनाना, हे गुरुदेव मेरे हृदय में आपका स्थान हो, नैने बंद करूं और आपके दर्शन करूं, ऐसा भाव, ऐसी व्याकुलता दर्शन की। कब मिल हो मिलना, जी घड़ी घड़ी पल पल तन छीज दर्शन बिन कलना। घड़ी घड़ी कायास, घड़ी घड़ी व्याकुलता बेचैनी, कैसे मिलन होगा परमात्मा से। ऐसी प्यास जब लगती है, विरह जब भीतर में लगता है मिलने का, महाराज वो पुण्य आत्मा, वो महान आत्मा धन है, जिनके हृदय में मालिक के दर्शन के लिए प्यास पैदा होती है। और ध्यान रहे, जिनके हृदय में प्यास है एक दिन उनकी बात बनेगी, पहुंच रहेगा एक दिन मन मनसा के पास, एक दिन पहुंच जाएंगे सदगुरु के पास। बोल सतगुरुदेव महाराज की।